पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि के व्रत और पूजन का विधान है। मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक नवरात्रि का आयोजन होता है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पूजन में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन महागौरी और सिद्धिदात्री माँ का पूजन किया जाता है। इस साल नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक केवल 8 दिन की ही मनाई जा रही है। आइए जानते हैं इस साल नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी की तिथि और पूजन मुहूर्त। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि का पूजन होता है। पंचांग के अनुसार इस साल अष्टमी तिथि 12 अक्टूबर को रात्रि 9:47 से शुरू होकर 13 अक्टूबर को शाम 8:08 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुरूप अष्टमी तिथि का पूजन 13 अक्टूबर दिन बुधवार को ही किया जाएगा। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। पूजन का शुभ मुहूर्त अमृत काल में सुबह 3:23 से 4:56 तक है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:46 तक है। नवमी की तिथि और पूजन का मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि 13 अक्टूबर को रात 8:09 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को शाम 6:54 पर समाप्त होगी। अतः नवमी तिथि का पूजन 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन का विधान है। इसके साथ ही नवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। नवमी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त में रहेगा। इसके अतिरिक्त अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजन करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि देवी माँ की शुभ मुहूर्त में पूजा करने से देवी माँ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आप भी इस तिथि में विधि विधान से करें देवी माँ की पूजा और अर्चना।